हे गाइस, ये एक शॉर्ट वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बताने वाला हूँ एटीपी का स्ट्रक्चर बहुत आसान तरीके से और एटीपी से एनर्जी कैसे बनती है। देखिए, सिंपली बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपने मेरा न्यूक्लिक एसिड का वीडियो देखा है तो आप एटीपी का स्ट्रक्चर बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। जिनके माइंड में कन्फ्यूजन होता है कि एटीपी क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो एनर्जी कैसे बनती होगी, कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान स्ट्रक्चर है। और अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एटीपी इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड तो पढ़ा ही होगा ना, अगर नहीं पढ़ा हो तो मेरा न्यूक्लिक एसिड वाला वीडियो देख लेना, उससे पढ़ लेना न्यूक्लियोटाइड। तो एटीपी जो होता है उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं उसको। तो अब समझ में आ गया एटीपी इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या होता है, देखिए अगर हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक हम बनाते हैं डीएनए के केस में बनाते हैं हम डीऑक्सीराइबोशुगर, जिसमें सेकेंड कार्बन पर जो है एक ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए उसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोशुगर। बट यहाँ पर राइबोशुगर होता है तो यहाँ पर सेकंड कार्बन पर जो सेकंड प्राइम कार्बन है उस पर पूरा हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा इस तरह से, ठीक है। तो इसमें एक हो गया राइबोज शुगर, डीऑक्सी नहीं है, प्लस जो फर्स्ट कार्बन है इससे अटैच्ड है एक नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन अटैच्ड होता है, तो एडेनिन का स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। यहाँ नाइट्रोजन रहेगा और ये हो गया वेल डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है एडेनिन का, यहाँ NH2 नाइट्रोजन 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 ओके, ये और ये और ये हो गया एडेनिन, दैट मीन्स एक नाइट्रोजनस बेस, एक राइबोस शुगर हो गया, और कार्बन नंबर 5 जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये 5 प्राइम कार्बन जो होता है इस कार्बन से अटैच्ड होगा फॉस्फेट ग्रुप। अब देखिए बात आती है ये कैसे अटैच्ड होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पर जो अटैच्ड होगा वो कुछ इस तरह से होगा, एक तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ा है ऑक्सीजन, एक तरफ असल में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो PO4 प्रेजेंट होता है, जो DNA में यहाँ पर प्रेजेंट होता है PO4 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसमें नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो इस 5वें कार्बन से एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम एडिनोजीन मोनोफॉस्फेट, AMP मोनो मतलब एक, अगर एक फॉस्फेट जुड़ा है तो एडिनोजीन मोनोफॉस्फेट। इसी में अगर एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो ये हो गया ADP एडिनोजीन डाइफॉस्फेट, इसी में अगर एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो ये हो गया ATP। देखिए ट्राइफॉस्फेट मतलब 1, 2, 3 फॉस्फेट ग्रुप, डाइफॉस्फेट मतलब सिर्फ 2 फॉस्फेट, और मोनोफॉस्फेट का मतलब सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप। तो समझ में आ गया, इसमें राइबोस शुगर भी है, इसमें एडेनिन यानी के नाइट्रोजनस बेस भी है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी है। तो जब हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उस वीडियो को देख लेना आप, तो वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड में भी तो यही सब चीज़ें थी, सिमिलर स्ट्रक्चर था, बस डीएनए के केस में इस सेकंड प्राइम कार्बन नंबर पर एक ऑक्सीजन हट गया था तो डीऑक्सीराइबोस कहा था हमने उसको, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है एटीपी के केस में। जो एटीपी है स्ट्रक्चर एकदम सिमिलर ही है, तो अगर नीट में या किसी भी एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है कि एटीपी क्या होता है, एटीपी क्या होता है, तो ये न्यूक्लियोटाइड ही होता है बेसिकली, या न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एटीपी ही होता है। तो अगर हम बात करें इसका एनर्जी कैसे बनती है, तो एक बात हमेशा याद रखना फॉस्फेट के लिए कि फॉस्फेट ग्रुप जहां कहीं किसी मॉलिक्यूल में ऐड होगा, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर ऐड हो रहा है फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी जो है ये खर्च कर मतलब एनर्जी लेगा, ये निकालेगा नहीं एनर्जी, ये एनर्जी अपने अंदर लेगा, मतलब जो ATP है वो
एडीपी से मतलब जहां फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा वहां एनर्जी खर्च होगी। जैसे कि हम ग्लाइकोलाइसिस में अगर बात करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप जहां जुड़ता है वहां एनर्जी खर्च होती है, लेकिन जहां से ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड जहां टूटेगा जिस भी मॉलिक्यूल के केस में, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होगा, वहां एटीपी बनता है। ठीक है, तो ये तो बस बेसिक कंसेप्ट बता रहा था मैं कि बॉन्ड टूटेगा यानी कि निकलेगा तो एनर्जी बनेगी, और बॉन्ड जुड़ेगा तो एनर्जी खर्च होगी, जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस में बताया था। अगर वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ग्लाइकोलाइसिस का भी लिंक देख लिया, वीडियो देख लीजिए जाके, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। तो दिस वॉज द बेसिक कंसेप्ट, समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।